हेलो ब्रियन, नमस्कार। मैं उंसराज, चले नए वीडियो से आते हैं पुष्पक नगर नई मुंबई अपकमिंग एयरपोर्ट के पास। आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि सेक्टर तीन में एक नया प्रोजेक्ट आया हुआ है। ये ऑलरेडी 6 महीने पहले ही आ चुका हुआ था प्रोजेक्ट। वहाँ पे मतलब थोड़ा सा लैंड का जो रहता है, प्लॉट का रहता है, वो ट्राइपार्टी एग्रीमेंट में प्रोसेस में था वहाँ पे। तो प्री लॉन्च में, प्री बुकिंग में डेवलपर ने नहीं लिया हुआ था उस टाइम। तो अभी फिलहाल कैसा है, उनका सिस्टम कैसा था कि पूरा ट्राइपार्टी एग्रीमेंट हो जाए और सीसी मिले तो उसके बाद सेल्स करेंगे यहाँ पे। तो इनका कैसा है कि सीसी भी आ चुका हुआ है यहाँ पे और 7 फ्लोर तक सीसी आ गया हुआ है यहाँ पे, और बाकी का डॉक्यूमेंट ट्राइपार्टी एग्रीमेंट हो चुका हुआ है यहाँ पे, और एकदम 5 स्टार लग्जरियस फ्लैट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और प्रोजेक्ट भी 5 स्टार टाइप एकदम लग्जरियस में दे रहे हैं यहाँ पे। ये जो डेवलपर का मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ, डेवलपर का जो बैकग्राउंड है उल्वे में, उनका ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कम से कम 7 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हुए, 2 प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे। अभी आप सोच रहे होंगे कि डेवलपर का नाम बताइए कौन है क्या है, तो मैं ओपन नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि इसका जो प्राइसिंग, डेवलपर का जो प्राइसिंग रखा हुआ है और जो मेरा प्राइसिंग जो मैं दे रहा हूँ आपको, वो प्राइसिंग में फ़र्क है यहाँ पे। तो मैं डेवलपर का नाम ओपन नहीं कर पाऊँगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो पे बने रहिए, मैं पूरी डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और वीडियो को लाइक नहीं करते सबसे पहले आप लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका मुझे बेल आइकन है वो भी प्रेस करके आने वाले नोटिस सबसे पहले मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो हमने, जो सेल्स मार्केटिंग है हमारी, उन्होंने ये वीडियो बनाया हुआ था। तो ये एक वीडियो है, वो पहले वीडियो देख लीजिए, बहुत लग्जरियस टाइप में दिया हुआ है, जो इम्प्रेशन करते हैं आप लोगों के लिए, जो वीडियोस बनाते हैं हम उसके लिए एक छोटा सा एक वीडियो है, तो आप एक देख लीजिए। तो आपने वीडियो देख लिया, ये सेल्स मार्केटिंग हमारी जो टीम है वो, उन्होंने वीडियो बनाया हुआ है ये प्रोजेक्ट का। तो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो और मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं साइट विजिट के लिए भी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। ये देखा जाएंगे तो आपको ये जो प्रोजेक्ट है, लैंड जो है, प्लॉट जो साइज है उसका 1800 स्क्वायर मीटर का प्लॉट साइज है यहाँ पे, मतलब आधा एकड़ के आसपास आ जाता है यहाँ पे। 1800 स्क्वायर मीटर में आ जाता है यहाँ पे, मतलब 18 गुंटा के आसपास आ जाता है यहाँ पे। तो ये आ गया आपका प्लॉट का साइज आ जाता है यहाँ पे। इसमें बेसमेंट आ रहा है यहाँ पे, बेसमेंट प्लस आ जाता है यहाँ पे, ग्राउंड लेवल आ जाता है पार्किंग यहाँ पे, एंड फर्स्ट लेवल का पूरी पोडियम पार्किंग आ जाती है, एंड सेकेंड फ्लोर पे एमिनिटीज दिए हुए, मतलब आपको बेसमेंट प्लस जी प्लस 11 स्टोरेज का टावर आ जाता है यहाँ पे। तो सेकेंड फ्लोर पे कुछ उसमें एमिनिटीज दिए हुए और फ्लैट्स दिए हुए यहाँ पे सेकेंड फ्लोर पे, एंड आपको रूफ टॉप एमिनिटीज मिल जाते हैं, मतलब टेरेस के ऊपर आपको एमिनिटीज मिल जाते हैं यहाँ पे। तो सेकेंड फ्लोर पे भी एमिनिटीज दिए हुए हैं यहाँ पे। एंड यहां से देखा जाएंगे तो आपको लग्जरियस में देखा जाएगा तो 1 BHK जो सेकंड फ्लोर पे है, 1 BHK टेरेस फ्लैट भी है सेकंड फ्लोर पे। बाकी के जो थर्ड फ्लोर से लेके आपको 11 फ्लोर तक जाते हैं तो आपको ट्रिपिकल फ्लैट्स का स्क्वायर फीट का एरिया मिल जाता है यहाँ पे। तो मैं स्क्वायर फीट एरिया में आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले लोगों का ज्यादा करके रिक्वायरमेंट होता है शॉप का, तो शॉप का सबसे इसमें है कि 6 शॉप बचे हुए हैं यहाँ पे इसमें, और 900 का स्क्वायर फीट रखा हुआ है बिल्डअप एरिया, 915 है, 980 का एरिया दिया हुआ है यहाँ पे। अभी कैसा है कि इनका सीसी आ चुका हुआ है, ओके, 7 फ्लोर तक आया हुआ है, एंड बाकी का पार्ट सीसी आना बाकी है। नीचे का शॉप अवेलेबल है यहाँ पे, शॉप अभी सेल करने के लिए निकाला हुआ है। अभी इनका जो रेट प्राइसिंग दिया हुआ है यहाँ पे, 10,000 पर स्क्वायर फीट का रेट रखा हुआ है, शॉप का बता रहा हूँ, 10,000 पर स्क्वायर फीट का रेट ये फाइनल रखा हुआ है। बट इसमें कैसा है कि ये तो फुल डाउन पेमेंट पे रहेगा,
लोन पे नहीं जा सकते हैं आप इसमें ये प्रोजेक्ट में, और 9000 मैं आपको फाइनल रेट दे दूंगा मेरे तरफ से है, क्योंकि ये रेट मैंने लिया हुआ है आपके लिए। 9000 लास्ट फाइनल रेट दे दूंगा, ये लास्ट फाइनल है, इसके नीचे एक रुपया भी कम नहीं हो सकेगा यहाँ पे। तो 10000 का पर स्क्वायर फीट रेट रखा हुआ है, 9000 में आपको मैं करके दे दूंगा, 1000 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आपका शॉप का प्राइसिंग आ गया है, इसमें आपको 900 स्क्वायर फीट मिलेगा, 915 मिलेगा, 980 का एरिया मिलेगा यहाँ पे। तो ये है, प्लस आपको टैक्सेस लग जाएंगे इसके अंदर, डेवलपमेंट चार्जेस लग जाएंगे, GST 5% लगेगा आपको, ये सब चीज लग जाएगा आपको। तो आप वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको पूरा पैकेज करके बता दूंगा यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं फ्लैट्स के, तो फ्लैट्स में आप देखें तो टेरेस फ्लैट जिनको रिक्वायरमेंट रहते हैं, जो एमिनिटीज फेसिंग में चाहिए टेरेस फ्लैट में, उसमें 1 BHK का एरिया है एंड 2 BHK का एरिया है। 1000 स्क्वायर फीट का एक 1 BHK का दिया हुआ है और 2 BHK का 1200 स्क्वायर फीट का दिया हुआ है। थोड़ा सा टेरेस फ्लैट मतलब थोड़ी बालकनी बड़ी आ जाती है, टेरेस फ्लैट आ जाता है यहाँ पे। तो ये देखा जाएंगे तो बहुत अच्छा है टेरेस फ्लैट के लिए, विद ऑपोजिट साइड में थोड़ा सा एमिनिटीज आ जाता है सेकंड फ्लोर पे, तो वो आपको मिल जाता है यहाँ पे। उसके ऊपर आप थर्ड फ्लोर से लेकर 11th फ्लोर के बीच में जाते हैं तो आप यहाँ पे 695 का एरिया आ जाता है बिल्डअप एरिया, 745 का एरिया आ जाता है बिल्डअप एरिया, ये 1 BHK आ गया। एंड 2 BHK में आप जाते हैं 995 का बिल्डअप एरिया आ जाता है एंड 1095 का बिल्डअप एरिया 2 BHK का आ जाता है। ये फ्लैट के साइज दिए हुए हैं यहाँ पे इसके अंदर, और इसका जो प्राइसिंग रखा हुआ है अभी, ये जो है इसमें रेगुलर पेमेंट में ही आप जा सकते हैं, इसमें आप 50% पेमेंट नहीं कर सकते फ्लैट में, बता रहा हूँ 50% पेमेंट नहीं, 100% पेमेंट में नहीं ले रहे, ये आपको रेगुलर पेमेंट में आ रहा है यहाँ पे। देखिए अभी इनिनो डेवलपर ने जो प्राइसिंग रखा हुआ है फ्लैट का, 5600 का रेट रखा हुआ है यहाँ पे पर स्क्वायर फीट, इसमें 5600 का पर स्क्वायर फीट का रेट रखा हुआ है इसके अंदर। और ये जो प्राइसिंग जो जा रहा है, तो आप थोड़ा सा बोलेंगे अरे प्राइसिंग बहुत ज़्यादा रख दिया है, तो डेवलपर के तरफ से है ना 5200 का रेट फाइनल दे रहे हैं जो डेवलपर के तरफ से। और इनसे मैंने जो फ्लैट्स लिए हुए हैं, मतलब जो हम जैसे सेल्स मार्केटिंग करते हैं और डेवलपर से ना हम लोग एक परचेस कर लेते हैं फ्लैट्स, मतलब हम इतने दिन में सेल करके दे देंगे, तो जो एक लिमिटेड फ्लैट रहता है वो प्राइसिंग में हम दे देंगे आप लोगों को। इसके अंदर कैसा है कि 5200 का डेवलपर रखा, बट लास्ट फाइनल हम मेरे तरफ से 5000 का रेट फाइनल हो जाएगा, ये रेगुलर पेमेंट में 5000 के रेट से फाइनल हो जाएगा। इसमें एक दो फ्लैट रहेंगे तो 5000 से 50 रुपया या 100 रुपया के आसपास हम कर सकते हैं यहाँ पे, वो भी मेरे तरफ से ही है, 5000 फाइनल रेट है। और जो एक दो फ्लैट, दो या तीन फ्लैट के बीच में हम एक 4900-4950 के बीच में पर स्क्वायर फीट रेट रख देंगे यहाँ पे, आपको फाइनल रेट मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ये आप सोच सकते हैं क्योंकि इनका जो कॉस्ट देखेंगे तो थोड़ा सा हाई हो जाता है, बजट ऑलरेडी 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया ज़्यादा हो जाता है, 3 लाख रुपया ज़्यादा हो जाता है डेवलपर के प्राइस के हिसाब से। तो हम लोगों ने कैसा एक सेल्स मार्केटिंग का फ्लैट्स लेके वो प्राइसिंग रेट मैंने डेवलपर से ले चुका हुआ है और वो मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एक लिमिटेड है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा क्योंकि इनका काम स्टार्ट होने वाला है 15 तारीख के बाद से यहाँ पे। उसके बाद प्लस आपको इसमें डेवलपमेंट चार्जेस है इसका आ जाता है, फिर पार्किंग का चार्जेस है, पार्किंग का चार्जेस 5 लाख रुपया है यहाँ पे, क्लब हाउस मेंबरशिप का 3 लाख रुपया दिया हुआ है यहाँ पे, सोसाइटी फॉर्मेशन का है 1 लाख रुपीज़ है, फिर बाद में ग्रिल लगा के आपको दे देंगे वो 60,000 का चार्जेस आ जाता है यहाँ पे 2 BHK का, और 1 BHK का 45,000 आ जाता है ग्रिल्स का यहाँ पे। और आपको यहाँ पे फ्लोराइज लग जाएगा 4th फ्लोर से, 4th फ्लोर से आपको फ्लोराइज लगेगा, 40 रुपया फ्लोराइज रखा हुआ है डेवलपर ने यहाँ पे। डेवलपमेंट चार्जेस देखा जाएंगे तो आपको 350 रुपया डेवलपमेंट चार्जेस आ जाता है यहाँ पे, ये आ गया आपको इसके अंदर। और बाकी GST 1 BHK का जो 45 लाख के अंदर एग्रीमेंट रहेगा, GST 1 BHK के लिए तो 1% ही लगेगा, बट जब 2 BHK के लिए आप जाते हैं तो 45 लाख के अंदर रहेगा आपका एग्रीमेंट, तो GST 1% लगेगा, और 45 लाख के ऊपर जाएंगे तो आपको GST 5% लगेगा। इसमें होम लोन देखा जाएंगे तो ऑल बैंक अप्रूव है यहाँ पे, इसमें आप HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, कोई भी बैंक रहेगा तो आप वहाँ से होम लोन कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपके जो बैंकर है, आपको लोन ज़्यादा चाहिए रहेगा या 98% 95% 90% लोन चाहिए रहेगा
तो ये आपको इसके अंदर मिल जाएगा यहाँ पे। ये रेगुलर पेमेंट में, मतलब 5,000 के रेट से नीचे नहीं, यहाँ पे ये लास्ट फाइनल रहेगा आपको 5,000 के रेट से, इसके नीचे नहीं। इसमें जो मैं आपको 4,900 का रेट बताया हुआ है, उसमें खींचने जाएंगे 4,900 के आसपास, वो आपको 25% या 20% पेमेंट रहेगा तो ही आपका ये देगा। जो ज़्यादा लोन कर रहे हैं 10% या 5% पेमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा लोन करना चाहते तो उनके लिए रेट निगोशिएट ज़्यादा नहीं है, उसमें 5,000 का रेट फाइनल करके दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। सीसी रिसीव है, 7 फ्लोर तक का ऊपर का सीसी, विद इन 1 मंथ के बाद आ जाएगा ऊपर की सीसी का आ जाएगा आपको। रेरा के लिए अप्लाई किया हुआ है, रेरा नंबर आया नहीं है बट रेरा के लिए अप्लाई कर दिया है, बुकिंग स्टार्ट हो चुका हुआ है। आप लोकेशन, अभी तो मैं वहाँ पे लोकेशन पे जा नहीं पा रहा हूँ, बट एकदम सेक्टर 3 में है, हाईवे टच है एकदम, और हाईवे टच मतलब हाईवे फेसिंग नहीं है, अंदर थोड़ा सा है, 2-3 प्लॉट छोड़ के अंदर ही है, सेक्टर 3 में ही है, बट वहाँ पे बहुत अच्छा है ये प्रॉपर्टी है। आप एक बार विजिट करिए, देखिए, मुझे कांटेक्ट करिए, साइट विजिट करिए, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए कि ये प्रॉपर्टी देखना है आपको, कौन से लोकेशन में कहाँ पे है, तो आप मुझे व्हाट्सअप और कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर डेवलपर, अभी आप सोच रहे रहेंगे कि मैंने तो सब वीडियो में बता दिया, पहले भी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डेवलपर का नाम बताओ, कौन है डेवलपर, यहाँ पे आया है, उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है यहाँ पे। मैंने आपको वही बोल रहा हूँ कि रेट मैंने डेवलपर से लिया है, तो रेट जिससे लेता हूँ वो मार्केट में या वीडियो में कहीं पे भी मैं डेवलपर का नाम ओपन नहीं करता हूँ। और वैसे भी आपके से ब्रोकरेज तो चार्जेस है ही नहीं है, आपको मुझे कुछ देना नहीं है, आप साइट विजिट कर सकते हैं फ्री, और आपको तो फ्री ऑफ सर्विस है आपको मिल रहा है यहाँ पे, और आपको अच्छे से अच्छा सजेस्ट भी कर दूंगा वहाँ पे, इन केस ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया तो दूसरा प्रोजेक्ट भी आपको हमारे पास अवेलेबल है, तो वो भी है, तो फ्री ऑफ सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आइए देखिए। और बजट में तो मैं आपको बैठा के दे रहा हूँ यहाँ पे, बट ये जो प्रोजेक्ट में देखा जाएंगे तो इसका प्री लॉन्च चालू बुकिंग ही नहीं किया था, क्योंकि मैंने 6 महीने पहले से कंटिन्यू उनके पास जा रहा था बट उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया था बुकिंग के लिए। उसके बाद जब ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हो गया, पूरा 100% ट्राई पार्टी एग्रीमेंट है, फिर उसके बाद सीसी आ गया, फिर उसके बाद रेरा के लिए अप्लाई किया, तब इन्होंने स्टार्ट किए बुकिंग ओपन करने के लिए। तो ये प्रोसेस क्या, क्योंकि उनको रेट थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है इसके लिए, क्योंकि उनको जो प्लॉट्स लैंड पार्सल रहता है डेवलपर जब भी परचेस करता है थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, तो उन्होंने सोचा कि प्री लॉन्च में जरूरत ही नहीं है, फंडिंग तो है हमारे पास, हम बाद में सब चीज़ कर लेंगे, तो उसके बाद ही सब चीज़ प्रोसेस किया और उसके बाद ओपन किए बुकिंग के लिए। तो यही वीडियो में आपको मैंने बता दिया, डेवलपर एंड बिल्डर अच्छे हैं, एंड ऑलरेडी उलवे में बहुत सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जब विजिट करेंगे तो उलवे में भी आप विजिट कर सकते हैं, उनके जो प्रोजेक्ट प्रीवियस प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं वो भी देख सकते हैं वहाँ पर, तो आपको वो भी डिटेल्स मिल जाएगा यहाँ पर। बस इतना ये वीडियो में बता दिया, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और हाँ, इसमें मुझे कांटेक्ट करिए साइट विजिट के लिए, आप कांटेक्ट नहीं करते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद मिलता नहीं है, तो फिर उसके बाद मुझे कॉल करते हैं कि यार ये मैं हम पुष्पक नगर आ गए हूँ, मुझे ये प्रोजेक्ट मिल रहा नहीं है, तो उससे अच्छा आने से पहले कॉल करिए विजिट के पहले, और मैं आपको पूरी डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। इसका जो अभी फ़िलहाल ब्राउशर्स एंड इसका जो कॉस्ट शीट कुछ नहीं है, ये आपको सिर्फ ओपन किया हो, क्योंकि इनका भी एक है कि रेरा आने के बाद ही आपका रेरा आने के बाद हम ब्राउशर और एंड कॉस्ट शीट ओपन करेंगे यहाँ पे। तो प्राइसिंग तो रेट मैंने आपको बता दिया ये तो पूरी डिटेल्स के साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका मुझे बेल आइकन है वो भी, जैसे कि आने वाले नोटिस सब सुबह मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार, टेक केयर, बाय।